नमस्कार बच्चों, टर्न द बस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पाठ नौबत खाने में इबादत पढ़ लिया है, तो आज हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू प्रश्न भी करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में एमसीक्यू प्रश्न आते हैं, वह भी भारी मात्रा में। तो यह कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कुछ मैं उदाहरण के तौर पे करा देती हूँ, और जब आप पाठ आप लोग पढ़ लें तो आप लोग खुद से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएं और अपनी कॉपी में लिखें, ताकि परीक्षा हो परीक्षा में जाने से पहले उसका अभ्यास कर सके। तो प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है? तो नौबत खाने में इबादत तो क्या है? यह एक निबंध है, या कहानी है, आलोचना है, या व्यक्ति चित्र है? तो सही उत्तर क्या होगा? यह एक व्यक्ति चित्र है। किनके बारे में बताया गया है? बिस्मिल्ला खां जी के बारे में। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? ऑप्शंस है, दुर्गा पूजा के दिन, दीपावली के दिन, मुहर्रम के दिन, ईद के दिन। तो किस दिन कोई भी शहनाई नहीं बजाता है? मुहर्रम के दिन। आगे है तीसरा प्रश्न, बिस्मिल्ला खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो पिछला प्रश्न आपने ध्यान से देखा होगा, तो आप वहां से भी उत्तर ढूंढ सकते हैं। ऑप्शंस है, बकरीद, ईद, मुहर्रम, इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मिल्ला खां और शहनाई के साथ मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ, इसलिए सही उत्तर होगा सी। चौथा प्रश्न है, इबादत का अर्थ है? तो इबादत का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस है, उपासना, गायन, स्वागत, अभिवादन। तो इबादत का सही अर्थ होता है उपासना, तो इसका सही उत्तर होगा ए। पांचवा प्रश्न, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्ला खां के लिए खास महत्व की होती है? तो मुहर्रम के दिन जो कौन सा जो तारीख होता है, वह बिस्मिल्ला खां के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन है, 8वीं, 9वीं, 7वीं, 10वीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8वीं। आइए हम लोग अभ्यास किए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसको आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि आपको यह आपको सब्जेक्टिव में आएंगे तो आपको इसको लिखना होगा। तो आप लोग अभ्यास के प्रश्नों को और उसके उत्तर को अपने कॉपी में लिख लें और उसका अभ्यास करें। पहला प्रश्न है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? यानी डुमराव जो है उसका महत्व किस के कारण होता है? तो क्या होता था, शहनाई बजाने के लिए जो रीड में का उपयोग होता है, तो रीड बनता है नरकट घास से, और वही नरकट घास डुराव के सोन नदी में पाया जाता है, तो इसलिए डुराव का महत्व है। और दूसरा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जो हमारे बिस्मिल्ला खान साहब जो शहनाई वादक थे, वह भी डुराव के थे, डुराव बिहार में है, तो इन दोनों बातों के लिए डुराव महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, सुशीर वाद्य किन्हें कहा जाता है? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो सुशीर वाद्य किसे कहते हैं? तो सुशीर का मतलब होता है जो फूंक कर बजाने वाला जो यंत्र होता है, वाद्य यानी बजाने वाला। तो यानी ऐसा यंत्र जिसे हम लोग फूंक कर बजाते हैं, जिसमें नाड़ी का यानी नरकट रीड का उपयोग होता है, उसे सुशीर वाद्य कहते हैं। और अरब देश में इसे नय कहा जाता है, और इसे सहनाई में शाह की उपाधि दी गई है। तो यानी और भी जो फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्र है, जैसे मुरली, श्रृंगी, इन सब में सहनाई को शाह की उपाधि दी गई। तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? तो यानी वह सजदा जो करते थे, वो तो उसमें किस चीज की प्रार्थना वो करते थे अपने अल्लाह से, और इससे उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें क्या पता चलता है? तो बिस्मिल्ला खां जी जो तीनों वक्त का नमाज अदा करते थे, उसमें वह
अल्लाह से सिर्फ केवल सच्चा सुर मांगते थे, और सजदे के बाद भी जो वह प्रार्थना करते थे उसमें भी वह एक ही वरदान मांगते थे, सच्चा सुर। और उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है कि वह बहुत ही धार्मिक, संवेदनशील एवं निराभिमानी, यानी बिल्कुल अभिमान न करने वाले पुरुष थे। संगीत के प्रति उनकी साधना हेतु तो समर्पित थे, तो संगीत के प्रति वह पूरे समर्पित थे और साथ ही साथ वह विनम्र भी थे। चौथा प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्ला खां के जुड़ाव का परिचय दें। यानी इस पाठ में से बिस्मिल्ला खां और मुहर्रम पर्व में क्या जुड़ाव था उसके बारे में बताना है। तो क्या होता था, मुहर्रम पर्व में 10 दिनों के लिए शोक मनाया जाता था, और इस दौरान कोई भी शहनाई नहीं बजाते थे, और 8वां दिन बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि 8वें दिन जो बिस्मिल्ला खान साहब थे वह शहनाई बजाते थे, और 8 किलोमीटर दाल मंडी से 8 किलोमीटर दूर तक पैदल चलते हुए रोते नौहा बजाते जाते थे। तो इसलिए मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्ला खां का जुड़ाव यही था। अगला प्रश्न है, संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते थे। तो संगीतमय कचौड़ी किसको बोलते हैं बिस्मिल्ला खां साहब, जब कुलसुम हलवाई गरम तेल में कचौड़ियां डालती थी तो छन से आवाज आती थी, तो उस छन से आवाज में भी बिस्मिल्ला खां साहब को संगीत राग ध्वनि जैसा प्रतीत होता था, इसलिए वह कुलसुम हलवाई की कचौड़ियों को संगीतमयी कचौड़ी बोलते थे। और इससे यह पता लगता है कि वह संगीत, हर चीज में उन्हें संगीत दिखाई देता था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, उससे हमें क्या सीख मिलती। तो वह जब भी काशी के बाहर भी शहनाई बजाते थे तो वह अपना मुंह बालाजी विश्वनाथ मंदिर की तरफ कर लेते थे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वह मुसलमान थे, फिर भी उन्हें के अंदर दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान और जो उनका जो व्यवहार था वह अलग नहीं था, वह कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो हमें भी सभी धर्मों को समान समान दे सम्मान देना चाहिए। अगला प्रश्न, बिस्मिल्ला खां का मतलब बिस्मिल्ला खां की शहनाई, एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्ला खां का परिचय पाठ के आधार पर था, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम लोग बिस्मिल्ला खां जी के बिस्मिल्ला खां बोलते हैं तो वह उनको शहनाई से ज्यादा पहचाना जाता था, तो हमें हमारे मन में शहनाई आता है, और शहनाई के साथ साथ वह कैसे हाथ से लेके उसमें सच्चे सुर लगाते थे। तो वह उनकी जो संगीत साधना थी, जिस संगीत साधना में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था, वह हमें दिखाई पड़ता है, और शहनाई वादक के रूप में अद्वितीय पहचान उन्होंने बना लिया। तो इसलिए बिस्मिल्ला खां का मतलब ही शहनाई हो गया था, यानी वह इतना रियाज करते थे और इतना अच्छा शहनाई बजाते थे कि शहनाई और वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जब भी उनका नाम आता है तो शहनाई उनका याद आता है, और उनकी फूंक में एक जादुई आवाज होती थी जिसे सुनकर सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। खां साहब जब सुर लगाते थे तो पूरा जो सभा होता था वह उनके सुरों से गूंज उठता था। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें, काशी को संस्कृति की पाठशाला है, तो हमें इसका अर्थ बताना है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, इसका क्या अर्थ हुआ। तो काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है क्योंकि यह भारत की ज्ञान नगरी है, यहाँ भारत शास्त्रों का ज्ञान है, यहाँ का कला शिरोमणि रहते हैं, यहाँ का इतिहास पुराना है, यह प्रकांड विद्वानों, धर्म गुरुओं तथा कला प्रेमियों की नगरी है, अर्थात काशी संस्कृति का विकास मूल केंद्र है। अगला प्रश्न है, इसका भी हमें आशय स्पष्ट करना है, यानी इसका अर्थ बताना है, फटे सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। तो
इस पंक्तियां का अर्थ क्या हुआ? तो बिस्मिल्ला खां जी वह अपनी शिष्या से बोलते हैं, जब उनके शिष्या पूछती है कि आप फटी लुंगी क्यों पहनते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आपसे मिलने आते हैं, तो बोलते हैं कि वह भगवान से यही दुआ करते हैं कि उन्हें सच्चा सुर दे, क्योंकि संगीत की कसौटी पर वह हर दृष्टि से पूर्ण तथा खरा उतरना चाहते थे। एक दिन जब उनके शिष्या ने उनको टोका, तो वह बोलते हैं कि इसलिए वह बोलते हैं कि फटी लुंगी तो सिल जाएगी, लेकिन अगर सुर फटा होगा तो फिर संगीत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि संगीत फटे सुर में बेसुरा हो जाएगा। तो आशा है कि आपको प्रश्न उत्तर भी समझ में हो गया होगा। पाठ पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर करें और इसका अच्छे से अभ्यास करें। धन्यवाद।